हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको कुर्ता पाजामे की कटिंग करना बताएंगे, जिसके लिए हमने ये मिक्स कॉटन कपड़ा लिया है और ये हम 12 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 4 मीटर कपड़ा लिया है 12 साल के बच्चे के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम नाप जान लेते हैं। जो तीरा है वो है 16 इंच और जो कुर्ते की लंबाई है वो है 32 इंच और जो छाती की वो है चेस्ट की चौड़ाई वो है 32 इंच और बाजू की लंबाई है इसमें 19 इंच और कमर भी 32 है। यानी कि जो इसमें कुर्ते का कटिंग होता है ऐसे नहीं होता जैसे हम कुर्ते की कटिंग करते हैं, इसमें स्ट्रेट ही कटता है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुर्ता पाजामे की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, जिसके लिए हमने ये हम 12 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो जिसके लिए हमने 4 मीटर कपड़ा लिया है, हमारा मिक्स कॉटन कपड़ा है और जिसके लिए हमने ये तीरा इसमें लिया है 16 इंच। यानी कि ये कुर्ते का माप है, तीरा 16 इंच है और जो कुर्ते की लंबाई है वो है 32 इंच और जो ब्रेस्ट है यानी कि चेस्ट है बच्चे की वो है 32 इंच और जो इसमें हिप का और कमर का माप होगा वो इसमें स्ट्रेट ही कटेगा, इसमें कुर्ती जैसा कोई माप नहीं होता। और बाजू की जो लंबाई है तैयार वो 19 इंच होगी और कमर भी इसमें 32 है। अब पाजामे की लंबाई जान लेते हैं। जो पाजामे की लंबाई है वो है 36 इंच, मोहरी है 14 इंच और कमर है उसकी 32 इंच। तो इस हिसाब से माप के अनुसार आप अपने बच्चे की कमर और लेंथ के अनुसार बना सकती हैं। तो ये 4 मीटर कपड़ा है, तो इसमें से सबसे पहले हम अपने फ्रंट उसकी कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो इसमें बैक और फ्रंट की हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा बैक पार्ट होता है वो इससे 1.5 इंच ज्यादा कटता है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा ले लेते हैं। जैसे हमारे पास था 32 इंच तैयार था, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ से हम 33 इंच ले लेंगे और इसको बिल्कुल सीधा करके और यहाँ से इसे कटिंग कर देंगे। तो देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा ले लिया है। अब यहाँ से हम पहले अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से जैसे हमने आपको तीरा बताया था 16 इंच, तो उसमें हम 8 इंच लेंगे और इसमें आर्म होल हम लेंगे 7 इंच से 1 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि बच्चा हेल्दी है। अब उसके बाद यहाँ से हम ब्रेस्ट का, जिसे हमारा 9 इंच आ रहा है, अब उसके बाद सवा आठ आ रहा है हमारा, तो हम उसमें 1.5 या 2 इंच की लूजिंग रखेंगे। तो हम यहाँ से 11 इंच कपड़ा ले लेंगे, इसमें थोड़ा लूज ही रखते हैं। अब यहाँ से हम 13 इंच लेंगे 30 इंच। अब यहाँ से हमको इस तरीके से हल्की सी गोलाई करते हुए मिलाना है इसको, यहाँ से भी हम इसको ऐसे सीधा कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई कर देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। अब उसके बाद यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे, जो लेंगे हम 2 इंच पे और जो गहराई है वो लेंगे हम 2.5 इंच पे और इस तरीके से यहाँ से हम इस तरीके से कर दे के मिला देंगे। और उसके बाद यहाँ से नीचे से रखेंगे हम इसे 8 इंच तक खुला, यानी कि इसमें जो बटन और आई की पट्टी आती है उसके लिए हम इसे खुला रखेंगे। अब यहाँ से जो तीरा है वो 1/2 इंच का डाउन होगा इधर से। अब इसकी कटिंग इतनी है, इसका माप, अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब यहां से गले की भी कटिंग कर लेते हैं। यहां से इसको बीच से कटिंग कर देंगे। तरीके से
अब हम बैक पार्ट कट करने के लिए फिर से दो लेयर में कपड़ा बिछाएंगे इसी कपड़े में से। तो देखिए ये हमने 1.5 इंच ज्यादा लिया है अपने फ्रंट पार्ट से, बाकी माप इसमें सेम ही होगा, बिल्कुल बराबर रख के इसकी भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तरीके से अब इसको यहां तक बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये आर्महोल थोड़े से इससे एक्स्ट्रा कटेंगे, बाकी सब सेम ही होगा। यहां से 1/2 इंच का तीरा थोड़ा सा दूरी से डाउन करेंगे। और इसमें देखिए जैसे हमने इसमें लिया था 2.5 इंच का गला, इसमें 1 इंच का लेके और 2.5 इंच तक इस तरीके से गोलाई होगी। तो ये इसका बैक पार्ट का माप है, इसकी भी सेम हम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये हमने इसकी कटिंग कर ली है कुर्ते की, ये हमारी बटन और हाई की पट्टियां होंगी। अगर आप इससे बड़े के लिए बनाएं तो थोड़ा सा बड़ा गला रख सकती हैं। अब उसके बाद हम पाजामे की कटिंग करेंगे। और देखिए जो पॉकेट वगैरह लगेंगी, जो हम इसमें हम नीचे पॉकेट नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ऊपर पॉकेट लगाएंगे, तो वो हमारा जो ये कपड़ा बचा है साइडों से उसमें से ही लगाएंगे हम। अब देखिए पाजामे की कटिंग करेंगे, तो पाजामे कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़े को ऐसे 2 लेयर में रख लिया है, यानी कि इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे बिल्कुल बराबर करके हमने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा, जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसे हम इस साइड निकाल देंगे। अब देखिए हम इसमें जैसे हमारी जो लंबाई है तैयार वो है 36 इंच, तो उसमें हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा ऊपर बेल्ट के लिए होगा, यानी कि उसके लिए होगा जो हम प्लास्टिक डालेंगे, और 1/2 इंच हम नीचे फोल्ड करेंगे, ज्यादा फोल्ड नहीं करेंगे। वैसे 36 से हमारा थोड़ा सा कम था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं हम। अब यहाँ से जो कमर की चौड़ाई लेंगे वो हम ज्यादा ले रहे हैं, हम इसमें ले रहे हैं 12 इंच, क्योंकि बच्चा हेल्दी है पेट पे से, तो यहाँ से हम 12 इंच ले रहे हैं। अब यहाँ से आसन लेंगे हम, यहाँ से जैसे हमारा 2 इंच मुड़ जाएगा तो 2 इंच से नीचे आसन लेंगे हम, वो लेंगे हम 12 इंच पे। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे, हमारा सिलाई मिला है 13 इंच ले रहे हैं। यहाँ से सीधा कर देंगे इसको। अब यहाँ से हम अपनी मोहरे की चौड़ाई रखेंगे, जैसे हमारी मोहरे की चौड़ाई है जिस 14 तैयार, तो हम यहाँ से 7 इंच लेंगे मोहरी, 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब हम यहाँ से इस तरीके से इसमें गोलाई कर देंगे, यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे इसको। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। खोलने के बाद कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ से हम कपड़े को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ऊपर से बंद है जैसे ये। अब ये हमारे पाजामे की कटिंग भी हो चुकी है, उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे स्लीव्स की। अभी देखिए इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जैसे हमारी 19 इंच की तैयार है तो हमने सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। अब उसके बाद
हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे 8.5 इंच। अब हम खुले की साइड से लगाएंगे 3 इंच पे निशान। ऐसे मिलाएंगे करते के यहाँ से 6 इंच की मोहरी रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे इसको। अभी देखिए स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है और इसमें चाहे तो फ्रंट पार्ट में दे सकती, वरना इसमें कुर्ते में नहीं दिया जाता। अभी कुर्ते और पाजामे की कटिंग दोनों हो चुकी है और स्टिचिंग हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो फिर काफी बड़ी हो रही है, यानी कि 20-30 मिनट की हो रही है। तो कटिंग हम आपको अगली स्टिचिंग में, सिलाई हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसकी सिलाई का वीडियो देखना है तो जब इस वीडियो का एंड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको दिख जाएगी। धन्यवाद।